नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। आज फिर हम आए हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर का आपको डे नाइट व्यू दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यह प्रेम मंदिर के अंदर का व्यू है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फिर भी जो है हम रिस्क लेकर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं प्रेम मंदिर का सुंदर दृश्य है। यह काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है भारत में, क्योंकि इसकी सुंदरता स्वर्ग से भी सुंदर है। दोस्तों यह तरह तरह के कलर बदलता है, चेंज होते रहते हैं। इसमें जो लाइटें लगी हैं, और ये दिन का दृश्य है जो आप देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दृश्य है। और ये सामने है प्रेम मंदिर। दोस्तों इसको बनाने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा है, और आप देख सकते हैं इसमें जो फर्श है वो इटालियन पत्थर लगा हुआ है, और मंदिर में भी इटालियन मार्बल लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर लगभग जो है लाखों श्रद्धालु आते हैं इसका दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर भीड़ लगातार लगी रहती है, और शाम के समय तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। और इस मंदिर के चारों ओर तरह तरह की झांकियाँ हैं जो पेंटिंग के रूप में बनी हुई है, और मंदिर के परिसर में तरह तरह के कलाकृति है। जैसे ये फुहारा चल रहा है, और इसमें जो है स्क्रीन भी लगी हुई है जिसमें भगवान की लीलाएं चलती रहती है। आप इसकी सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। यह काफ़ी मनमोहक है। दोस्तों आप जब भी मथुरा आए तो वृंदावन में ज़रूर आए घूमने। मथुरा से वृंदावन 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, और प्रेम मंदिर वृंदावन की शोभा सी बन गया है। दोस्तों वृंदावन के सभी मंदिरों में प्रेम मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ की कलाकृति, यहाँ की नक्काशी, यहाँ की झांकियाँ बहुत ही मन को शांत कर देती है, और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रकट करती है। इस तरह की झांकियाँ इस मंदिर के अंदर बनी हुई है, इसलिए इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की है, आज भी जब हम वृंदावन की गलियों में घूमते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं लीला कर रहे हो। दोस्तों वृंदावन को मंदिरों का शहर कहा गया है। यहाँ पर जो है 5000 मंदिर है लगभग, और अगर आप एक एक मंदिर डेली घूमोगे तो महीनों लग जाएंगे आपको घूमते घूमते। दोस्तों आपसे एक प्रार्थना है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि कलयुग में यही एक मंत्र है जिसके माध्यम से हम भवसागर से पार हो सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दोस्तों इस मंत्र का जाप करने मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है, और अंत समय में जो है वह भगवान धाम को प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी पेंटिंग बनी हुई है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, कितना सुंदर दृश्य है। और ये मेन गेट है बाहर से जब अंदर एंट्री करते हैं, और यहाँ की जो वाटिका है
जो वहाँ यहाँ की जो कलाकृतियाँ है काफ़ी सुंदर है। मैं तो यही कहूँगा, जब भी आप वृंदावन घूमने आए प्रेम मंदिर में ज़रूर आना, यहाँ पर आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होने का अनुभव होगा। जैसे कि आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक है। दोस्तों, पूजा भक्ति से बढ़कर है प्रेम, भगवान से प्रेम करो, यही आधार है। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।